विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल लॉ का पेपर है, उसकी जानकारी के लिए ये वीडियो है। कुछ में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के नाम से है, और जो इंटरनेशनल लॉ की यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि की साधारण जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। जो स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये केवल जो है रिवीजन पर्पस के लिए, शॉर्ट में जानने के लिए है, बाकी उन्हें अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह से स्टडी कर लेनी चाहिए। मैं पहली बात डेफिनेशन एंड कंसेप्ट की आती है कि इंटरनेशनल लॉ है क्या। तो इसमें ओपेनहाइम ने जो परिभाषा दी है उन्होंने कहा राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य एवं परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें सभ्य राष्ट्र अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो नियमों का समूह है, वो रूल्स का समूह है जो राष्ट्र आपस में अपने व्यवहार के लिए अपने आप पे बाध्यकारी मानते हैं, अपने आप को उससे बाउंड मानते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या ये सच्चे अर्थों में विधि है या कानून है। अब उसके सवाल के लिए सबसे पहली बात ये है कि इसमें आचरण संबंधी नियमों तक ही सीमित नहीं है, ये सीमित नहीं किया जा सकता है, उसके बहुत ज़्यादा डिटेल हो सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि होती तो स्टेट लॉ जैसी होती, अगर वास्तविक अर्थों में होती, जबकि वास्तविक अर्थों में ये स्टेट लॉ जैसी नहीं है, ये सारे मामलों में लागू नहीं होती है। उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जब बात पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो उसे देखेंगे। दूसरा, विधि निर्माण करने वाली संधियों के जो नियम हैं, जेनेवा सम्मेलन है, हेग सम्मेलन है, वो लागू होता है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पर जो राज्य की संधियां हैं उस पे लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के में जो के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको उसको निपटाने में अंतर्राष्ट्रीय विधि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाई है। युद्ध राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधि का भाग माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अभिसमयों में सच्चे अर्थों में विधि माना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जो है इसी पर आधारित है, लेकिन अनुशस्ति का अभाव है। अनुशस्ति उसे कहते हैं कि भाई अगर इसका पालन नहीं करेंगे इस विधि का तो क्या होगा, तो उसका अभाव नज़र आता है कि उसके पालन करने पे कुछ ज़्यादा जो है बिगाड़ा नहीं जा सकता है, ज़्यादा उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। इसलिए किसी भी विधि का एक ये महत्वपूर्ण विषय होता है कि अनुशस्ति होती है, लेकिन वहाँ पे अनुशस्ति नहीं है। अब इसकी दुर्बलताओं की बात करते हैं, कमजोरियों की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि कार्यपालिका शक्ति का अभाव है, कि भाई ऐसी एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जो सब पे सब उसे माने और सब लागू करें। वैसे यूएनओ है, लेकिन यूएनओ उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया है। विधायिनी शक्तियों का भी अभाव है कि सब कानून कैसे बनेगा, इसके लिए कोई एक बॉडी होती है जैसे संसद होती है हमारे यहाँ, बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम बाकी में भी पार्लियामेंट होती है, वो वैसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा है, लेकिन वो जो है उसका उस तरीके से यूज़ नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कोर्ट होती है बाकी मामलों में, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, लेकिन सच्चे अर्थों में उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उसे क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन तब होता है जब संधियाँ होती हैं, उस संधि में मान लिया जाता है, कोई देश नहीं मानता है और वो उल्लंघन करता चला जाता है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं होता है। चौथी बात, अनुशस्ति का अभाव है। अनुशस्ति उसे कहते हैं कि जो है मतलब कोई सज़ा देने का कंटेम्प्ट, उसका कोई कंटेम्प्ट कर ले जो है कुछ नहीं किया जा सकता है। पांचवी बात, ये घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने पर रोक है, लेकिन जो है हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज़्यादातर मामले घरेलू मामले से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति ख़त्म होती है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का पहले घरेलू मामलों से ही आगे जो है युद्ध तक स्थिति आती है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिक अनिश्चितता है, क्योंकि पूर्ण निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होता, पूरे पुराने वाले जस्टिस जजमेंट हैं उसे लागू नहीं किए जाते, इसलिए वो जो है उसका अभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि बहुधा शांति और व्यवस्था करने में जो है असफल रही है। अब इसे लागू करने के लिए क्या करना चाहिए,
ये इसका सबसे पहली बात ये इसे मजबूत करने के लिए, दुर्बलताएं दूर करने के लिए उसमें सबसे पहली बात ये है कि प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए और क्षेत्राधिकार अनिवार्य कर देना चाहिए। ये जो क्षेत्राधिकार है सब पे लागू होगा। और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए कि भाई वो सजा दे सके। और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो करे तो उसका का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से एक निष्पक्ष एजेंसी करे। और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। छठा, इसे संहिताकरण कर लेना चाहिए, कोडिफिकेशन करना चाहिए कि आपको पता चला अलग अलग संधियों उसके आधार पर चल रही है तो वो एक कहीं होना चाहिए कि भाई ये वाला कानून है और इस पे लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले घरेलू मामलों में भी दखल देने की शक्ति होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द बनाने को प्राथमिकता देने संबंधी उसमें नियमों की व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों के संबंध में क्षेत्र का अधिक विकास करने की आवश्यकता है। और न्यायिक पूर्ण निर्णयों को यानी प्रेसिडेंट जैसे स्टेट लॉ में लागू होता है वैसे लागू करने की ज़रूरत है। और विधि निर्माण करने वाली संधियां और उनको का जो है वो पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत की जब हम बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं जो इंटरनेशनल कस्टम्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय यानी कन्वेंशन। तीसरा, एक सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम जो जनरल जनरल इंटरनेशनल लॉ के नियम हैं उसको कहते हैं। चौथा, न्यायाधिकरण और न्यायालयों के निर्णय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय हैं, राज्यों के ऐसे न्यायिक निर्णय हैं जो इंटरनेशनल लॉ पे आधारित हों। और पांचवा है विधि शास्त्रियों की रचनाएं, जो विधि शास्त्रियों की रचनाएं हैं जो है किताबें वगैरह हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय हुए कि उनके अंग जो हैं उनके निर्णय। अब बात करते हैं हम रिलेशन इंटरनेशनल लॉ का और म्युनिसिपल लॉ का। वैसे तो ये जो मैंने पहले बताया है आपको इससे स्पष्ट हो गया है। इंटरनेशनल लॉ भी एक इकाई है जो एडिशनल लॉ है और म्युनिसिपल लॉ भी एक इकाई है जो एडिशनल लॉ है। तो जो है इसमें ये तो समानता है, एडिशनल लॉ वाली बात है। लेकिन म्युनिसिपल लॉ में जो पावर से डेलीगेट की जाती हैं और पावर डेलीगेट की जाती हैं वो बाउंड बाइंडिंग होती हैं, जबकि इंटरनेशनल लॉ में इस तरह की पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती है, वो संधियों पर आधारित है। म्युनिसिपल लॉ एक लोकल लेवल पे लागू होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे लागू होता है। इस म्युनिसिपल लॉ में क्षेत्राधिकार देने या ना देने का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि इंटरनेशनल लॉ में क्षेत्राधिकार देने और ना देने का अधिकार होता है। बाकी हमने डिटेल पे इसमें चर्चा कर ली है। अब ट्रीटीज की बात करते हैं संधियों की। तो ओपेनहाइम कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटीज आर दोज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स विच आर द कंट्रेक्चुअल नेचर एंड प्रोड्यूस लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं, संधियां जो हैं, दो राष्ट्रों, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच का एक करार है और वो ये कंट्रैक्ट नेचर का है और उससे कुछ लीगल और लीगल राइट और ऑब्लिगेशन मिलते हैं यानी अधिकार और दायित्व मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पिल्ले एक स्वरूप होना चाहिए। ये चार प्रकार हो सकते हैं ट्रीटीज के, कि एक तो कन्वेंस होते हैं, एक संविदा की प्रकृति के हिसाब से कंटेक्ट हो गया, एक जो है विधि निर्माण के हिसाब से लॉ मेकिंग हो गया। लॉ मेकिंग में जैसे ICJ बनाया गया तो उसको बनाने के लिए एक संविधान बनाया गया तो वो हो गया। एक अधिपत्र होता है कि जो है इनकॉर्पोरेशन से जैसे बनाया गया, जैसे विश्व डाक संघ बनाया गया, इंटरनेशनल पोस्टल यूनिट। अब हम मान्यता की बात करते हैं, डेफिनेशन थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मान्यता उसे कहते हैं कि किसी राष्ट्र को मानना, किसी स्टेट को मानना कि साहब ये देश है अलग, उसको स्टेट है, देश है, तो उसको मानने को हम मान्यता कहते हैं। अब मान्यता के दो तरह के सिद्धांत होते हैं, एक निर्णायक निर्माणात्मक सिद्धांत
और एक उद्घोषणात्मक सिद्धांत। निर्णयात्मक मतलब कंस्टिट्यूटिव, यानी जिससे राष्ट्र बनता है। तो इसमें ये माना जाता है कि मान्यता द्वारा ही राज्य राष्ट्रत्व को प्राप्त करता है, यानी कोई अलग टेरिटरी है, अगर कोई अन्य देशों से मान्यता देते हैं तो ही वो निर्मित होता है। मतलब अलग टेरिटरी रहेगी, जब तक टेरिटरी रहेगी वो अलग देश नहीं माना जाएगा, अलग देश जब माना जाएगा जब अन्य देश उसे मान लेंगे। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो उद्घोषणात्मक है। तो इसके मानते हैं कि डेक्लेरेटरी कि पहले से राष्ट्र होता है और उसकी खाली मान्यता देने में उद्घोषणा की जाती है कि हाँ साहब ये राष्ट्र है। तो ये दोनों सिद्धांत हैं, दोनों सिद्धांतों की आलोचनाएं हैं। कि पहली बात, पहले वाले में ये कहता है कि भाई कुछ राज्यों द्वारा अगर मान्यता प्रदान की जाए तो क्या वो देश बन जाएगा, कुछ ही द्वारा की जाए। और उद्घोषणात्मक में भी ये है कि भाई अगर राष्ट्र हो गई नहीं तो उद्घोषणात्मक से कैसे राष्ट्र बन जाएगा। अब मान्यता के प्रकार की बात करते हैं कि कौन कौन से मान्यता है। तो इसमें भी वही दोनों हैं, तथ्यन मान्यता और विधिक मान्यता। तथ्यन मान्यता उसे कहते हैं कि कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र है, एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण है, परंतु उसने अभी उसे यथेष्ट स्थापित नहीं किया, स्थायी तो नहीं आया है, तो उसे तथ्यन मान्यता दे दी, डिफेक्टो रिकॉग्निशन। डी ज्यूरे रिकॉग्निशन किसे कहते हैं, उसे उसकी सरकार को मान्यता दे दी जाए कि हाँ सर इसकी सरकार जो है वो अलग से है और उसको मान्यता दे दी। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट की, कि भाई इंटरनेशनल डिस्प्यूट को निपटाने के जो है क्या तरीके हैं और क्या साधन हैं। पहली बात ये कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट के निपटाने के दो साधन, दो तरह के साधन, एक तो पीसफुल साधन है। पीसफुल में क्या क्या हम किया जा सकता है, तो सबसे पहली बात आर्बिट्रेशन कि भाई पंच निर्णय करवा लें बीच में। दूसरा ये जुडिशल सेटलमेंट हो जाए। तीसरा ये कि नेगोशिएशन हो जाए। और चौथा ये गुड ऑफिस। गुड ऑफिस उसे कहते हैं कि अन्य किसी देश के जो मित्र देश है उसकी मदद ले ली जाए। पांचवा कहते हैं मीडिएशन कि भाई किसी को बीच में डाल के उसका वो किया जाए। और एक कंसाइलेशन उसे कहते हैं कि एक निष्पक्ष व्यक्ति को, दोनों की मर्जी से एक निष्पक्ष व्यक्ति को कंसाइल करने के लिए, उस निपटारे के लिए किया जाए। और सातवां है इंक्वायरी कि उसके लिए जो है जो विवाद है उसकी इंक्वायरी जो है निष्पक्ष रास्तों से करा ली जाए। और आठवां यूएनओ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मामले को ले जाया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ उसे करे। दूसरा होते हैं कंपल्सिव कि भाई जो है अगर ये नहीं माने, शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा नहीं हो रहा तो क्या किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात ये है रिटेरिएशन कि मतलब उसे उसका प्रतिरोध करेंगे। सबसे पहले प्रतिरोध का चैनल होता है कि भाई दूसरे के आप दूतावास बंद कर दिया आपने, ये इस तरीके से आप रिट्रेशन किया कि भाई अपना अपने जो दूसरे दूतावास दूसरे देशों में होते हैं एक देश के, हाँ कि हमारा डिस्प्यूट हो गया तो उस देश में का जो दूतावास है हमने अपने अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया, दूतावास उनका वीज़ा देना ख़त्म कर दिया, ये हो गया। दूसरा होता है रिप्राइजल यानी प्रतिबंध लगाना, हमने प्रतिबंध लगा दिया उस पर कि सब ये काम इनके इनके साथ हम नहीं करेंगे। तीसरा होता है एम्बार्गो, तो उसमें ये होता है कि जो शिप है उनके वो उस शिप को रोक लिया जो जो हमारी टेरिटरी में है। और चौथा होता है पैसिफिक ब्लॉकेज। पैसिफिक ब्लॉकेज ये होता है कि उसकी जो आउटर बाउंड्री है, समुद्री आउटर बाउंड्री है, उससे उसे बाहर आने से उसके जहाज़ों को रोक लिया, उसकी आउटर बाउंड्री बंद कर दी। और पांचवा है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी बीच में अन्य देशों का कूद जाना और अन्य देशों का हस्तक्षेप करना उसको निपटाने के लिए। अब बात करते हैं एक्सट्राडिशन की, प्रत्यर्पण। अब यह है क्या कि अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहां पर वो है उसे लौटा देना, प्रत्यर्पण है कि भाई किसी कोई अपराधी है किसी अन्य देश में का व्यक्ति है और वो हमारे देश में है तो उसे लौटा देना, ठीक है। अब इसके भी कुछ नियम होते हैं। इसमें पहली बात ये है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा,
ये सिद्धांत सारे देशों ने मान लिया है। दूसरा, ये सैनिक अपराध में भी प्रत्यर्पण नहीं होगा। तीसरा, ये भी मान लिया गया है विभिन्न देशों द्वारा, धार्मिक अपराध में प्रत्यर्पण नहीं होगा। और चौथा, विशेषता का नियम, यानी केवल उसी अपराध में प्रत्यर्पण होगा, उसी अपराध का मुकदमा चलाया जाएगा या उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण होगा जिस अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण किया जा रहा है उसी का मुकदमा चलेगा। ऐसा नहीं कि प्रत्यर्पण तो किसी और अपराध के लिए किया और वो साबित नहीं हुआ, दूसरा मुकदमा चला लिया उस पर। पांचवा सिद्धांत ये दोहरी आपराधिकता, यानी जिस देश में से हम प्रत्यर्पण कर रहे हैं उस देश में भी वो अपराध होना चाहिए। मतलब बहुत सारे अपराध ऐसे हैं कि एक देश में है दूसरे देश में नहीं है। पाकिस्तान में धार्मिक जो है के आधार पर अपराध है कि धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने पे वो अपराध होता है कि जो है पैगंबर साहब को कुछ कह दिया तो वो अपराध है, धार्मिक है। वो बहुत सारे देशों में, अन्य देशों में नहीं है वो, तो अगर नहीं है तो वो उस अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं होगा। छठी बात ये है, पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि साहब हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज है भाई आप दे दीजिए इस व्यक्ति को, तो वो नहीं दिया जा सकता है। और आठवां ये है, सबसे खास बात है, प्रत्यर्पण संबंधी संधि होनी चाहिए और उसमें लिखित नियम व शर्तों का, जो उसमें लिखित और नियम शर्तें हैं उसका पालन होना चाहिए। लेकिन नवे में एक क्लेरिफिकेशन है कि अपराध के समय संबंधित देश में उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है, कि जो देश मांग रहा है ये जरूरी नहीं है कि अपराध करते टाइम उसे ये साबित करना पड़े कि साहब ये व्यक्ति जिसे हम मांग रहे हैं ये हमारे देश में था, वो बाहर बैठ के भी अपराध कर सकता है। और भारत ने ये तीन शर्तें और हैं भारत की संधि में, कि टाइम बार्ड होने पर भी प्रत्यर्पण नहीं होगा। टाइम बार्ड से मतलब किसी कानून के अंतर्गत जो है उस मुकदमा चलाने के लिए टाइम बार्ड हो गया है, जैसे हमारी सीआरपीसी में टाइम बार्ड का प्रोविज़न है 468 में कि कोई 7 साल की सज़ा का मुकदमा है तो 7 साल में टाइम बार्ड हो जाता है, वैसे 3 साल में टाइम बार्ड होता है कम बार। तो 3 साल के बाद वो जो है क्योंकि मुकदमा नहीं चल सकता इसलिए उसका प्रत्यर्पण भी नहीं होगा। एक कंडीशन यह है कि दंड की सज़ा, अगर मान लीजिए कोई किसी मामले में उस किसी व्यक्ति को सज़ा हो गई है तो बीच में प्रत्यर्पण नहीं होगा, सज़ा छोड़ के नहीं होगा, सज़ा पूरी होने के बाद होगा। और ये भी भारत में नियम है। और एक भारत में नियम ये है कि मजिस्ट्रेट ने अगर जेल भेज दिया है तो उसका 15 दिन तक प्रत्यर्पण नहीं होगा। एसाइलम आश्रय, यानी एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के राजनीतिक शरणार्थी को टेरिटोरी जो है आश्रय देना, शरण देना जो है एसाइलम है, आश्रय। अब इसमें आश्रय दो तरह का होता है, एक प्रादेशिक आश्रय होता है, टेरिटोरियल एसाइलम। टेरिटोरियल एसाइलम ये होता है कि हम अपने देश में अपने क्षेत्र में उसे जो है शरण दे रहे हैं। दूसरा होता है बाह्य प्रादेशिक आश्रय, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसाइलम। इसमें क्या होता है कि कुछ अन्य जगह जो यहाँ पे हमारा जो है क्षेत्र होता है या दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वहाँ पे जो है वो दे दिया जाता है। इसमें कुछ जो है सम्मत हैं, कुछ भी सम्मत हैं देश। पहली बात ये विदेशी दूतावास में, कि भाई हमारा विदेश में कहीं दूतावास है क्योंकि विदेशी दूतावास सुरक्षित होता है, तो वहाँ पे हमने जो है उसे शरण दे दी। दूसरा वाणिज्य दूतावास में, जो वाणिज्य दूतावास होते हैं उसमें दे दी। तीसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और चौथा युद्ध पोतों पे, हमारे युद्ध पोतों पे दे दी, उसमें भी नहीं किया जा सकता है, जो हमारा युद्ध पोत है वो दूसरे देश नहीं आ सकता है, इसलिए शरण दी जा सकती है। और पाँचवा व्यापारिक जहाज़ों पर, वो व्यापारिक जहाज़ हमारी टेरिटोरी माने जाते हैं इसलिए भी, वो भले ही समुद्र में हों या कहीं दूसरे देश में भी हों तो उसमें भी वो जो है एसाइलम आश्रय दिया जा सकता है। अब बात करते हैं जेनोसाइड की। जेनोसाइड होता है जनवध, यानी नरसंहार। तो जो है जो महासभा बनी सबसे पहले, उसमें सबसे पहला प्रस्ताव जनवध वो किया गया कि जो है नाजियों ने जो है वो यहूदियों का जो नरसंहार किया था, तो ऐसी स्थिति में उसको उससे सबक लेते हुए ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया कि भाई कोई भी देश जनवध नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहले जनवध अभिसमय आया, जनवध जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में,
जो वर्तमान में है लागू है, तो उसमें चार चीजें सब सारे देशों को बाध्य किया गया। पहली बात ये कि अपने संविधान में आवश्यक कानून पारित करेंगे कि कोई जनवध नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि जनवध के होने पे व्यक्ति को सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो सक्षम न्यायालय में मिले चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मिले, और जो है इसमें ये भी क्लियर किया गया चाहे वो अधिकारी हो, सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे जो है सजा मिलेगी जनवध की। और तीसरी बात, प्रत्यर्पण नहीं होगा जनवध का, कि उसे जो है उसकी उसे सजा जो है वहीं उसी देश में मिल जाएगी, उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। अगर इंटरप्रिटेशन का मामला होगा इसमें जनवध के मामलों में, तो उसके लिए भी सक्षम न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है व्यवस्था की जाएगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था जो है प्रभुत्व संपन्न राज्यों के सहयोग का एक रूप है, जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार पर आधारित होता है। यानी जो सॉवरेन राज्य हैं, सॉवरेन राज्य यानी देश हैं, स्वतंत्र देश समझ लीजिए, उनके सहयोग का एक स्वरूप है कि वो आपस में सहयोग करके एक संस्था बनाते हैं, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय करार के आधार पर होता है। अब इसके क्या तत्व हुए? पहली बात ये कि बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार से उत्पत्ति होती है, बहुपक्षीय यानी बहुत सारे देशों का। दूसरा, उसका विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, एंटिटी होती है, स्वतंत्र एंटिटी होती है जो देशों से अलग होती है। तीसरा, स्थायी अंग होते हैं जो सामान्य उद्देश्य के लिए काम करते हैं। इसके अंग की इच्छा की स्वतंत्रता होती है। अब कार्य क्या होते हैं इनके, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? एक तो ये राज्यों की प्रभुत्व संपन्नता को, सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण सहयोग करने के लिए होता है। और दूसरा, प्रतिस्पर्धा के स्वरूप को शांतिपूर्ण बनाए रखना, क्योंकि कंपटीशन होगा अलग अलग देशों में, उसे शांतिपूर्ण बनाए रखना। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसकी उद्देशिका जो है, प्रीमेबिल जो है, उसमें कुछ मोटी मोटी जो बातें लिखी हैं उसे मैं बताना चाहता हूँ आपको। कि सबसे पहली बात ये लिखी हुई, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाना। कि युद्ध के प्रकोप से, क्योंकि ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना था, उसको की विभीषिका देखी थी, तो अन्य लोगों के जीवन में ऐसा युद्ध ना हो, आगे आने वाली पीढ़ियों में को ना देखना पड़े, तो उसके लिए संगठन बनाया गया मेनली। तो इसलिए सबसे पहला उद्देश्य इसका ये था, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोपों से बचाना। और दूसरा, मानवीय अधिकारों, प्रतिष्ठा तथा पुरुष महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, रक्षा करना। तीसरा, संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से उत्पन्न दायित्वों का आदर व न्याय करना। और चौथा जो है, सामाजिक उन्नति तथा अधिक विस्तृत क्षेत्र में जीवन के उच्चतर स्तर को बढ़ावा दिया जाना। अब इसकी सदस्यता की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद के अनुच्छेद 4 है इसके कन्वेंशन का। सुरक्षा परिषद की संस्तुति होनी चाहिए सदस्यता के लिए, और महासभा के 2/3 बहुमत से। ऐसा नहीं है कि मेंबर हर एक कोई भी देश जाएगा और बन जाएगा, उसके लिए सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत। सुरक्षा परिषद में जो सुरक्षा परिषद की संस्तुति, सुरक्षा परिषद की संस्तुति 9 सदस्यों की होगी, इसलिए महत्वपूर्ण मामला होगा, तो जो है सारे सारे जो स्थायी सदस्य हैं उसमें शामिल होने चाहिए। सुरक्षा परिषद की हम बात करेंगे आगे। और महासभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो है वो सदस्य बन सके। अब निष्कासन, ये वापस नहीं लेने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है कि विड्राल कोई कर पाएगा देश, लेकिन निष्कासन, उसे हटाया कैसे जाएगा या निलंबन कैसे कर दिया जाएगा, तो चार्टर का उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा उसका उसे निकाला जा सकता है, या उसे निलंबित भी सुरक्षा परिषद की उस पर ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम जनरल असेंबली की, महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें जितने भी जनरल सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सब का प्रतिनिधित्व होता है, सभी मेंबर होते हैं, और सबको समान मत देने का अधिकार होता है। दूसरा, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो मतदान होता है वो उपस्थित सदस्य जो हैं
उपस्थित जो है और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है, कि उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का 2/3 बहुमत होगा, वो महत्वपूर्ण प्रश्न और सामान्य प्रश्नों पे साधारण मतदान होता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद की। अब सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं टोटल, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, 10 टेम्परेरी सदस्य हैं जिनका चुनाव 2 साल के लिए होता है। जो 10 सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है, और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और चीन है। ये 5 देश जो है सदस्य हैं। जो महत्वपूर्ण मामले हैं सादे बहुमत में, सादे प्रश्नों में तो कोई से 9 सदस्य सहमत होते हैं तो वो फैसला हो जाता है, और महत्वपूर्ण मामलों में उसमें 9 सदस्यों में 5 जो है स्थायी सदस्य शामिल होने चाहिए। इसी को हम ये कहते हैं कि वीटो। अगर कोई भी एक सदस्य शामिल नहीं होगा तो भले ही सारे सदस्य शामिल हों, सारे 14 के 14 सहमत हों और एक सदस्य सहमत ना हो तो वो वीटो कर देगा स्थायी वाला। इसीलिए स्थायी सदस्य को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, और यही जो है ज़्यादा काम बिगाड़ते भी हैं। जो है वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलों में एक एक जो महाशक्ति है, यानी जो इन्हें शक्तिशाली देश उस समय का माना गया, इसी 5 स्थायी सदस्य, तो एक एक जो है उसका अपना हित है, तो वो भले ही पूरा विश्व चाह रहा है लेकिन वो नहीं चाह रहा, तो वो जो है प्रस्ताव पास नहीं होगा। जो सुरक्षा परिषद है उसकी कार्य और शक्तियाँ जो हैं उनमें 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा निर्वाचन संबंधी काम है इलेक्शन का, उसमें महासचिव की जो नियुक्ति करनी है संयुक्त राष्ट्र महासभा के, महासभा के नियुक्ति करने के लिए 9 सदस्यों के जो है, इसके 9 सदस्य जो है स्थायी सदस्यों समेत का जो है की अनुमति, वो भी ज़रूरी है इनका बहुमत, इनकी राय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी जो इलेक्शन है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के बगैर नहीं हो सकता है। सुरक्षा परिषद जो है सहमत होगी जिस व्यक्ति को, वही चुना जाएगा। तीसरा कार्य पर्यवेक्षण का होता है, कि किसी को निलंबन या निष्कासन करना है, सुपरवाइजरी पावर हुई निलंबन या निष्कासन करना है सदस्यता से, तो उसके लिए हमने पहले भी बताया था कि जो सुरक्षा परिषद की आवश्यकता होगी, और वो 9 सदस्य सहमत होने चाहिए कम से कम, तभी होगा। और चौथा संवैधानिक कार्य, संवैधानिक कार्य ये है कि कोई नियम वगैरह बनाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, तो उसके लिए भी जो है सुरक्षा परिषद समेत जो है उसका बहुमत होना चाहिए, पहले सुरक्षा परिषद में पास होगा तभी जो है वो नियम बन सकता है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं, 9 साल के लिए वो एक का कार्यकाल होता है, और सुरक्षा परिषद व महासभा द्वारा इसे चुना जाता है। इसमें जो लागू कानून होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय कन्वेंशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं होती हैं, इंटरनेशनल कस्टम जिन्हें कहते हैं, और एक सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो होते हैं, और न्यायिक निर्णय होते हैं। क्षेत्राधिकार जो है 3 तरह का होता है, पहले ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में द्वारा जो है मान लिया जाए कि साहब इसको हम अंतर्राष्ट्रीय इससे निबटवा लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। दूसरा ये है कि बहुपक्षीय संधि में ये कह दिया जाए कि ये मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निपटाएगा, और कुछ द्विपक्षीय संधि में दो देशों ने संधि की, स्वतंत्र देशों ने, और उसमें कहा कि ये मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निपटाएगा। तो ये ऐच्छिक क्षेत्राधिकार हुआ, अनिवार्य क्षेत्राधिकार होता है जो परमानेंट जो होता है अनिवार्य रूप से करना है, तो उसमें किसी संधि का निर्वचन इंटरप्रिटेशन करना है, किसी संधि का ट्रीटी का अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ का कोई क्वेश्चन है, और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का उल्लंघन का मामला है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का है, और जो है अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन से, उत्तरदायित्व के उल्लंघन से, ऑब्लिगेशन के उल्लंघन से कोई नुकसान हुआ हो। एक सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है, महासभा तथा अन्य अंगों को सलाह देने का भी काम है।